नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रिंटर्स फ्रेंड में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन करते हैं, तो कंप्यूटर से या मोबाइल से दोनों तरीके से बताएंगे। वैसे सेम ही होता है, तो ज़्यादातर लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होता है तो वो अपने मोबाइल से करते हैं, इसलिए मोबाइल से ऑनलाइन करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन किया जाता है, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं अपने वेब ब्राउजर पर और यहाँ पर लिखेंगे आप गूगल करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन, जिस भी स्टेट का चाहिए, तो बिहार का चाहिए बिहार लिख देंगे। तो इस वेबसाइट पर आएंगे जो तीसरे नंबर पर है, जहाँ पर लिंक जेंडर लिखा हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे आप करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन के लिए जो पूरा पेज खुल गया है, तो यहाँ पर पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे। इसी प्रकार से नाम, नंबर, एड्रेस, जो भी डिटेल्स पूछी गई सारी भरना है। तो अब आ जाते हैं यूपी पर, यूपी का कहाँ पे है वेबसाइट, तो लिखेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन यूपी। तो यूपी पुलिस की जो CCTNS करके वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे सिटीजन सर्विस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मिलेगा करेक्टर वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आएंगे नया अकाउंट बनाएं, तो नया अकाउंट बनाकर यहाँ पे नाम, नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह डालनी है, पासवर्ड बनाना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है, तो इससे आपकी यूज़र आईडी क्रिएट हो जाएगी। इसी प्रकार से महाराष्ट्र की पुलिस वेबसाइट है, पुलिस क्लियरेंस सर्विस महाराष्ट्र पुलिस, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, बहुत छोटा सा टैब है, महीन बिल्कुल, ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो क्या क्या इसके बाद ऑप्शन रहते हैं, रजिस्ट्रेशन, इसके बाद लॉगिन, इसके बाद एप्लीकेशन फिल करना और फीस पेमेंट करना, और इसके बाद है वेरिफिकेशन बाई लोकल पुलिस, तो वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो आपको वेरीफाइड कर देगी और इसके बाद आपका पुलिस वेरीफिकेशन जनरेट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पर, तो नेक्स्ट स्टेट है हमारी MP, तो MP का कैसे करेंगे देखते हैं। तो आ गए हम लोग मध्य प्रदेश सिटीजन पोर्टल पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे नाम और नंबर और मोबाइल, जैसे ही नंबर डालेंगे तो OTP जाएगा, तो वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे जीमेल का भी ऑप्शन दिया है, तो वहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं और अपना फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं। अब आ जाते हैं राजस्थान पुलिस पर, तो राजस्थान का कैसे फॉर्म करना है, तो राजस्थान पुलिस की वेबसाइट जैसे ही खोलेंगे तो वहाँ पर सिटीजन का टैब आता है, तो उसे खोलना है। यहाँ से आप स्टेटस चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर का कॉलम था अन्य नागरिक सेवाएं, तो वहाँ पे हमने टिक कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी डिटेल्स दी हुई, क्या क्या आप यहाँ से बना सकते हैं, तो यहाँ पर रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे, राजस्थान का ये लोगो खुल जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कॉर्नर में सिटीजन, उद्योग और गवर्नमेंट एम्प्लॉई का दिया है, तो आपको सिटीजन पर टिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है और आगे की प्रोसेस लगभग सभी में सेम ही होती है। तो अब आ जाते हैं लास्ट अपना जो बचा है, यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आप खुल गया है दिल्ली का, तो दिल्ली की जो वेबसाइट है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट PCC, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर का, तो यहाँ से आप ईमेल डाल के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बाकी सभी में सेम प्रोसेस है। तो जो भी स्टेट है इनकी जो वेबसाइट है हमने आपको दिखाई है, ये अपने डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर दे देंगे, तो अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर क्लिक करके आप वहाँ से जा सकते हैं और अपना सर्च करके निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे यूपी को आप ऐप से यूपी का करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, वो भी मोबाइल से। तो दोस्तों सबसे पहले जाते हैं अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर, सबसे पहले आपको मोबाइल में करके दिखाएंगे, इसके बाद में वेबसाइट का लिंक भी देंगे, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मोबाइल में ओपन कर लेंगे प्ले स्टोर और वहाँ पर सर्च करेंगे यूपी कॉप ऐप, तो ये यूपी कॉप ऐप खुल गया है, इंस्टॉल कर लिया हमने। अब आपको आ जाना है यहाँ पर सर्विस में, तो यहाँ पर आप करेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट पर क्लिक, और यहाँ पर क्या होगा, जब आप पहली बार करेंगे तो आपको यहाँ से साइन अप करना होगा, तो ये कॉलम में यहाँ पे आपको अपना नाम फिल कर देना है, आपका जो भी नाम है फुल नेम, इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल जो भी है, और इसके बाद है ईमेल आईडी,
तो आपकी क्या ईमेल आईडी है वो यहाँ पे फिल कर देनी है। और इसके बाद का जो कॉलम है उसमें आता है मोबाइल नंबर, तो आपका जो भी इन एंड आप जो भी मोबाइल रखते हो तो अपना मोबाइल नंबर डाल दें, क्योंकि इसमें ओटीपी आता है तो वेरीफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ईमेल भरने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड सेट करेंगे अपना, जो पासवर्ड आप ऊपर डालेंगे उसी पासवर्ड को नीचे डालना है। और यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही प्रोसेस पूरी होगी यहाँ पे चार अंकों का ओटीपी आएगा आपके नंबर पर, तो यहाँ पे फिल कर देना है और ओटीपी डालकर वेरीफाई कर देना है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा आपके फ़ोन के अंदर। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। तो अब हम यहाँ फिर से लॉगिन करेंगे। मोबाइल नंबर डाल के और जो हमने पासवर्ड बनाया था, पासवर्ड या फिर ओटीपी के जरिए दोनों ऑप्शन रहते हैं, तो यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे पासवर्ड सेव कर देंगे डिवाइस में और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन पूछता है रिक्वेस्ट फॉर, आप खुद के लिए कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे कर देना है सेल्फ। इसके बाद वहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिक फिल रहता है। और इसके बाद आपको फादर नेम फिल कर देना है। इसके बाद आपकी एज क्या है, तो आधार कार्ड या पैन कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपकी एज हो यहाँ पे डाल देनी है। और इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद जो अगला कॉलम होता है एड्रेस का, तो वहाँ पे एड्रेस फिल कर देना है। तो एड्रेस में आपका मकान नंबर, मोहल्ला आपका, पोस्ट या विलेज, टाउन, सिटी जो भी पड़ती है, तो वहाँ कम्प्लीटली एड्रेस वहाँ पर फिल कर देना है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आता है, तो यूपी में आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो भर देना है। उसके बाद आता है जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, आपका जो वेरिफिकेशन है किस थाने में जाएगा, तो उसी पुलिस स्टेशन को वहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद ऑप्शन रहता है कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे, तो ड्यूरेशन ऑफ स्टे में आप यहां से कितने दिन से रह रहे हैं, तो ईयर भर देनी, ईयर और मंथ जितने हुए हैं। इसके बाद टिक करना है परमानेंट एड्रेस, और यहां पर एक अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है, तो मोबाइल में पहले से ये खींच के रखनी है फ़ोटो, तो फ़ोटो को यहां पर अपलोड कर देंगे। और नीचे डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सबमिट कर दिया है और यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल गया है। हम लोग पेमेंट के लिए यहाँ से प्रोसीड करेंगे, तो ये ब्लू बटन पर टैप कर देंगे प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो यहाँ पे यूपी राजकोष, जो यूपी की राजकोष की वेबसाइट है वो खुल के आ जाती है, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा जूम रहती है तो उसको थोड़ा सा कम करना है और टैप पर क्लिक कर देना है, और इस वाले टैप पर यहाँ पर क्लोज पर टिक करना है। और इसके बाद कुछ ये खुलेगा तो वहाँ पर फिर से कन्फर्म कर देना है। इसके बाद SBI जो पेमेंट रिसीव करती है बैंक, उसका इंटरफेस आएगा, तो आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिससे भी करना चाहते हैं उस पर टिक करेंगे, फिर यहाँ पे कंफर्म पे टिक करेंगे और यहाँ पर कंफर्म का दो बार आएगा। और इसके बाद यहाँ पे हमने डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज किया है, तो यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, नेम वगैरह फिल कर देना है और कैप्चा डाल देना है। और कैप्चा डालकर यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो बैंक एंड की तरफ से, यानी कि आपके बैंक की तरफ से OTP आएगा, OTP डालकर कन्फर्म कर देना है। तो यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, ₹50 कटते हैं। तो अगर आप इंटरफेस पर आना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करिए, ये ब्लू कलर क्लिक हेयर पर क्लिक कर दें, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पर
इसकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है उसे डाउनलोड कर लेंगे और पीडीएफ के जरिए ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो आवेदन है करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए वो सबमिट हो चुका है, वो पुलिस थाने में फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो अब स्टेटस कैसे चेक करेंगे, तो अभी यहाँ से बताते हैं। हम लोग आएंगे सर्विस पर और करेक्टर सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, करेक्टर सर्टिफिकेट चूज करेंगे, यहाँ से सन भरेंगे। तो यहाँ पे आपने जितने भी ऑनलाइन किए होंगे वो सब दिखेंगे। ये जो नीचे वाला ये फेल है और ये ऊपर वाला ये सक्सेस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने ये थाना सीओ लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एसपी लेवल पर, यहाँ पे सब दिखेंगे। तो जैसे जैसे आपका फॉर्म आगे बढ़ता चला जाएगा यहाँ पे ग्रीन टिक होते जाएंगे, सारे अप्रूव हो जाएंगे। यहाँ पे जितने भी कॉलम हैं अभी सारे ब्लैंक हैं, तो यहाँ पे आपका सक्सेस हो चुका है। और जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है, जब आप यहाँ पे टिक करेंगे तो यहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है, आपको प्रिंट को बाहर निकाल लेना है इस एक्नॉलेजमेंट को, साथ में आधार कार्ड अपना फ़ोटो कॉपी करनी है एक, और अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो ग्राम प्रधान से लिखवा लेना है पैड पर, और अगर आप टाउन या नगर परिषद में रहते हैं तो सभासद के जरिए आप वहाँ से लिखवा के और ये तीनों स्लिप थाने में जमा कर दें। अदरवाइज वो आपका एप्लीकेशन वहाँ से काट भी सकते हैं। अगर आप थोड़े से वहाँ से लेट पहुँचे या आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो हो सकता है कि वो आपका एप्लीकेशन वहाँ से कट कर दें, मतलब रिजेक्ट कर दें। तो उनके रिजेक्ट करने से पहले आपको ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्रिंट कर लेनी है, आधार कार्ड की फ़ोटो प्रिंट कर लेनी है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो प्रधान से सर्टिफाइड करवाएं, और अगर आप नगर पंचायत परिषद या नगर निगम से बिलोंग करते हैं तो सभासद से वेरीफाई कराकर थाने में जमा कर दें। तो 2-4-5 दिन में वो आपका प्रोसेस करके और जो आपका ये सर्टिफिकेट है आपके इसी मोबाइल की आईडी पर आ जाएगा। अगर आपने वेब से लॉगिन किया है ब्राउज़र से तो आप वहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अगर आप अभी तक बने हुए हैं और वाकई में वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी परेशानी है, अगर आप किसी और अदर स्टेट से हैं तो आप कमेंट करें, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, किसी नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। मिलते हैं, जय हिंद।